नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांतिवंता। बंगाल विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए पूरा दम लगाया हुआ है। बंगाल में चुनावी रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर से टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के स्टार कैंपेनर पीएम मोदी एक बार फिर से बंगाल के रण में बीजेपी को जिताने के लिए उतरे। भाषण देने की कला में माहिर पीएम मोदी ने चुन चुन कर ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमले किए। वर्धमान में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी ने टीएमसी पर अनुसूचित जाति को अपमानित करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने टीएमसी नेता सुजाता मंडल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देने लगे हैं, उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। दीदी की पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। बता दें कि सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी कहा था। आरामबाग विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल ने कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने उनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ पैसों के लिए वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। पीएम मोदी ने उन बरसाती नेताओं पर भी हमला बोला जो समय समय पर दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठाते रहते हैं। पीएम मोदी ने अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई दल दीदी के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी ने भी दलितों के अपमान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। बंगाल में कानून राज के ध्वस्त हो जाने पर भी पीएम मोदी ने ममता को जमकर सुनाया। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के पुलिस अफसर की बंगाल में मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। पीएम मोदी ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता को घेरा। पीएम मोदी ने बिहार के पुलिस कर्मी की मॉब लिंचिंग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक वीर जवान दो दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहाँ बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। माँ ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो उसने दम तोड़ दिया। दीदी की नीतियों ने ना जाने कितनी माओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। कूचबिहार में दो दिन पहले जिन लोगों की मौत हुई वो भी किसी माँ के बेटे थे। क्या उस पुलिस अफसर की माँ आपके लिए माँ नहीं थी? आप इतनी कठोर हैं, इतनी निर्मम हैं, इसका अंदाजा बंगाल की किसी माँ को नहीं था। पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बंगाल के लोगों ने टीएमसी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। यहाँ की जनता ने इतने चौके छक्के मारे हैं कि चार चरणों के चुनाव में ही भाजपा की सेंचुरी हो गई है। बंगाल में बीजेपी ने चुनावों में बहुत जोर लगाया हुआ है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के सभी बड़े नेता बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ रैलियां कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी बंगाल में एक एक दिन में तीन तीन रैलियां कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंगाल चुनाव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह एक दिन में चार से छह रोड शो कर रहे हैं। बंगाल के चुनाव को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। बीजेपी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता सीधे ममता को निशाने पर ले रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।